जी हाँ दोस्तों, जब से सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी ये बात सामने आई है कि किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती की साजिश के चलते सुशांत सिंह राजपूत कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पागल हो चुके थे। डिप्रेशन की बात छोड़िए, वे अपने आप को इस जीवन में कहीं ना कहीं समाप्त करना चाहते थे, जहाँ वे ये बात सोचते रहते थे हमेशा कि किस प्रकार से अपने इस जीवन का अंत कर दें। ये सब हुआ है तो रिया चक्रवर्ती की वजह से, उनकी साजिशों की वजह से, जिसके चलते रिया चक्रवर्ती पे बड़े आरोप लग रहे हैं। फैंस एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं रिया चक्रवर्ती को ट्रोल करने का, और ये बात तो अभी तक सामने नहीं आई है किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती की ऐसी कौन सी वो बड़ी साजिश थी जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत ने आखिरी कदम उठाया था ये अपनी लाइफ में। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती का नाम खुलकर सामने आने लगा है, ये सब संभव हो पाया है तो पटना और बिहार की पुलिस की तरफ से, क्योंकि जहां अभी तक मुंबई पुलिस छानबीन कर रही थी तो वो सिर्फ नेपोटिज्म को लेकर हुए वाद विवाद को लेकर छानबीन कर रही थी, केस को एक अलग नज़रिए से नहीं देख रही थी। लेकिन उसके बाद ही 3-4 दिन के अंदर ही अंदर बिहार पुलिस ने सबके सामने ला के खड़ा कर दिया है कि सुशांत सिंह केस में सुशांत सिंह ने अपने आप ही जान नहीं ली है, बल्कि उनकी जान किसी साजिश के चलते किसी खास नहीं मजबूर करा है लेने पे। तो ऐसे में उस केस में नाम जुड़ा है रिया चक्रवर्ती का। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती को लेकर अभी तक ये बात सामने आई है कि सोशल मीडिया पे उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। सोशल मीडिया पे जो बड़ा कदम उठाया है वो ये है कि उन्होंने अपनी जितने भी तस्वीरों के नीचे कॉमेंट सेक्शन होता है उसको ऑफ कर रखा है। एक तरफ रिया चक्रवर्ती वीडियो बनाती हैं कि सच्चाई का जल्द ही खुलासा होगा, सच की हमेशा जीत होती है, तो ऐसे में आप फैंस और मीडिया से भागते हुए क्यों दिखाई दे रही हैं, फैंस ये डिमांड कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप सच्ची हैं तो खुलकर सामने आइए, जैसे अंकिता लोखंडे आई और साथ ही साथ प्राइम टाइम शो पे अर्नब गोस्वामी के सामने बैठकर ये बड़ा खुलासा कर दिया अंकिता लोखंडे ने कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में नहीं थे। अगर यही बात रिया चक्रवर्ती खुलासा करती तो कहीं ना कहीं सुशांत के फैंस की सहानुभूति रिया चक्रवर्ती के साथ जुड़ जाती, लेकिन रिया चक्रवर्ती तो भागती फिरती भी दिखाई दी, क्योंकि जिसकी नीयत में खोट होता है वही आखिर नीचे करता है। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती आखिर भाग क्यों रही है, जब सच का खुलासा होगा और सच की जीत होगी तो सभी के सामने आएं और अपने आप को बेगुनाह है ये साबित करें। साबित करने के पूरे पूरे मौके उनके पास हैं, लेकिन उनके पास शायद वो हिम्मत नहीं है जो सुशांत सिंह केस में वो खो चुकी हैं। तो ऐसे में अपना कमेंट सेक्शन तक बंद कर दिया है, इससे फैंस कोई कंप्लेंट या कोई सुझाव उन तक ना पहुंचा सके, चैट कर ना सकता उनके साथ कोई। तो ऐसे में फैंस के साथ किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती बुरा बिहेव करती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ उनके आपसी फैंस से जो उनकी तारीफ़ करते हैं, कुछ उनके वो फैंस से जो उनको ट्रोल कर रहे हैं दोनों सोशल मीडिया पे, जिसकी हकदार भी कहीं ना कहीं मानी जा रही है रिया चक्रवर्ती। साथ ही साथ आपको एक और ख़ास चीज़ बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती की जितनी भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ तस्वीरें थी, ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया से वो सारी तस्वीरें हटा दी हैं। इसके चलते सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती का नाम शुरुआत से ना जुड़े और बचती भी दिखाई दे, लेकिन फिर भी ट्रोलर्स की निगाहों में जब रिया चक्रवर्ती आ ही चुकी हैं तो अब ट्रोल होने का एक भी मौका नहीं छूटेगा। फैंस उन्हें ट्रोल करेंगे इसलिए क्योंकि सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती कुछ ना कुछ बड़ा राज छुपा रही हैं। अगर सबके सामने खुलासा कर दे तो सुशांत सिंह के फैंस कहीं ना कहीं उनके साथ अपनी सहानुभूति दिखाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन सुशांत के फैंस उनके साथ जब ही आएंगे जब रिया चक्रवर्ती का ये बात सामने आएगा कि रिया चक्रवर्ती इन सब साजिशों के पीछे नहीं थी। घर पे खाना बनाने वाले से लेकर घर के सुशांत सिंह के जिम ट्रेनर तक ये खुलासा कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती उनके साथ बुरा बिहेव करती थी, उनको समय पर ऐसी कौन सी दवाई देती जिसके चलते सुशांत सिंह डिप्रेशन में जा रहे थे, उनकी हालत गंभीर हो रही थी, साथ ही साथ ऐसी क्यों घर खरीदने की साजिश थी जिसमें स्विमिंग पूल हो, जिम हो और ऐसी कोई पोश एरिया हो जहां पर सुशांत सिंह अपना जीवन बिता सके। ये सब रिया चक्रवर्ती की ही डिमांड थी। सुशांत सिंह तो एक कमरे में भी अपना जीवन अच्छे से बिता रहे थे। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर कुछ बड़ा कदम ये उठाया है कि अपना कॉमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया है और साथ ही साथ सुशांत के साथ अपनी सारी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं। तस्वीरें डिलीट करने से अब शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह केस में एक पूरी तरीके से जुड़ चुकी है, इनका नाम ऐसा जुड़ा है जो शायद अब मिटने से ना मिटे। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।